तेरी शक्ल इससे मिल रही है वैसे, ऊपर कर। अच्छा जी, देखो कैमरे में। Hey guys, what's up? Welcome back to my channel, Bike Log Varun. आज इवनिंग में व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, टाइम हो रहा है 5:08, जैसा कि आपको दिख रहा है मोबाइल के ऊपर, और हम जा रहे हैं एक स्पेशल काम के लिए। स्पेशल काम आपको थंबनेल में शायद पता लग चुका होगा। चलो चले, चलो चले। सो गाइस, ये रही मेरी जैकेट, ये रही मेरी राकुतेन की टी शर्ट, और साथ में आज हम डालेंगे हल्के फुल्के जूते, क्योंकि अभी हमें ऊबर पकड़ने के लिए मेन रोड तक भागना पड़ेगा। आई एम सुपर एक्साइटेड ऑफ व्हाटएवर आई डू। मैं हमेशा अपनी की गई चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड रहता हूँ, और स्पेशली आज, क्योंकि शायद क्या हम इस डॉग को लेंगे, अडॉप्ट करेंगे या फिर खरीदेंगे, उसका पेपर वर्क कैसा है, उसकी जेन्युइनिटी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा बचपन का एक ड्रीम था कि मैं इस डॉग को पालूं। और मेरे पहले भी बहुत सारे डॉग्स रह चुके हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। सो ये मेरा फोर्थ डॉग होगा, तो लेट्स सी, लेट्स गो कैच द उबर एंड सी यू इन अ व्हाइल। सो गाइस, मेरे साथ है आप सबकी भाभी जी पीछे मेरे, और मौसम देख रहे हो, ऊपर पूरा बादल है, और यही एक रीज़न है मैं गाड़ी में नहीं जा रहा हूँ, मतलब गाड़ी में जा रहा हूँ बट नॉट एज अ ड्राइवर। ऊबर करेंगे, ऊबर में जाएंगे, और सीधा जाके जितनी एनर्जी है वो डॉग की इंस्पेक्शन में लगाएंगे। तो चलते हैं, ऊबर की सवारी करते हैं और लेके आते हैं हमारे लिए एक डॉगी। आएगा क्या पल्लवी? आएगा, बिल्कुल आएगा, कंफर्म। हाँ। साला मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंस ये है। कैसे पता करते हैं कि वो ओरिजिनल है? वो सबके लिए आपको रखा है। उसको सिर्फ एक क्यूट डॉगी चाहिए, बट जो मैं देखने जा रहा हूँ, एक जीएस वाले के पास डॉगी विद जीएस, वाह। सो जर्मन शेफर्ड वैसे तो दिखने में बहुत खूंखार होते हैं, लेकिन वो बहुत क्यूट होते हैं और प्रोटेक्टिव होते हैं फॉर द ओनर्स। सो गाइस, फाइनली आई एम इन कैब, और आपका भाई इतना चमो हो गया कि पूरा दिन फ़ोन चार्ज नहीं किया, लेकिन अचानक से ये जो अपॉइंटमेंट है हमें मिल गई, और अचानक से यू नो मेरा माइंड ऐसा हो गया। मैंने घर वालों से भी बात करी दिल्ली में, सो फाइनली एवरीबॉडी वाज लाइक, डैडी का एक कंसर्न था कि डॉग्स के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, जो मेरे प्रीवियस 3 डॉग्स की प्रॉब्लम भी थी, तो उसकी वजह से हमने काफ़ी सालों तक डॉग नहीं रखा। अभी मॉम डैड साथ में नहीं है तो डैड गुस्सा तो कर रहे हैं, बट लेट्स सी क्या करते हैं हम लोग। हमें तो चाहिए एक कंपेनियन, क्योंकि दूसरों के डॉग्स को प्यार कर करके थक गया हूँ मैं। उनसे भी प्यार जरूरी रहेगा, लेकिन खुद का भी होना चाहिए। और नाउ आई एम इनसाइड उबर, दिस इज हाउ इट लुक्स, एंड वी गोना रीच द लोकेशन वेरी सून। अच्छा, हाउ मेनी डेज? 35। नीचे रखूं, और अभी ये इतना शांत दिख रहा है, थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा था, बहुत मस्ती करता है। तेरी शक्ल इससे मिल रही है वैसे, ऊपर कर। अच्छा जी, देखो कैमरे में, देखो इन दोनों की शक्ल मिल रही है ना, मिल रही है। इन दोनों की सिमिलैरिटी बताऊं एक और? बताओ बताओ। इसके भी बाल गिरते हैं और इसके भी बाल गिरते हैं। है ना, फिर भी बाल झड़ेंगे। तेरा बच्चा हो गया अभी, ठीक है, नाम सोच लिया? हाँ, नाम सोच लिया, बट अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। आप बताओ क्या रखें? अभी नहीं, इनसे पूछना। अच्छा, आप बताओ क्या रखें, कैसा लगता है। तो गाइस, छोटे पपी के लिए खाना भी स्पेशल होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको सारा खाना, रॉयल कैनिन। तो रॉयल कैनिन और पेडिग्री विच इज बेटर? रॉयल कैनिन, रॉयल कैनिन बेटर है। अच्छा, रॉयल कैनिन इज बेटर देन पेडिग्री, मे बी फॉर स्मॉल डॉग। सो गाइस, फाइनली वी आर हियर विद आवर न्यू पपी, विच इज अ सरप्राइज फॉर यू ऑल। हमने कौन सा लिया, क्यों लिया, कैसे लिया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, और आपको हो सकता है मैं गाइड भी कर सकता हूँ इन दिस केस, इन केस यू आर लुकिंग फॉर दिस पपी।
एंड नाउ वी आर ऑन द वे बैक टू अवर हाउस. अभी बहुत डरा हुआ है जैसा एक नॉर्मल बिहेवियर होता है. और स्नीक पीक मिल रहा है सबको. सो गाइस इसको घर लेके जाते हैं और आपको मिलते हैं दिन के उजाले में विद अ बेटर लुक ऑफ अवर न्यू पप्स. हे गाइस गुड मॉर्निंग, दिस इज द नेक्स्ट डे व्हेन वी गॉट द डॉग. और गाइस मैं नॉर्मली यहाँ पे सोता हूँ लेकिन कल रात को मैं चद्दर बिछा के यहाँ नीचे सोया क्योंकि जितनी बार भी वो उठ रहा था ही वॉज क्राइंग. और मेरे को लगता है कि वो आज तक इतने सारे पपीज जो भी उसकी माँ ने बच्चे दिए थे उसके साथ सो रहा था तो मुझे लगा कि यार उसके साथ सोऊंगा तो शायद वो की कुकू नहीं करेगा. तो फाइनली मैं ज़मीन पर सोया. उसका वो सब सामान जिसके ऊपर हमने उसको सुलाया ये सब ठीक है जिसमें पहले मैं सोता था. और क्या नहीं किया उसने, यहाँ पॉटी वहाँ पॉटी हर जगह पॉटी, पूरा घर अभी पॉटी फ्लेवर का हो गया है. और अभी हम बाहर बैठे हैं तो यहाँ पे मैंने उसका बिस्तरा लगाया लेकिन शायद उसको पैरों के पास में वार्मथ मिल रही है तो भाई साहब इधर बैठे हैं पैरों के पास में अपनी मम्मी के. एंड तो गाइस दिस इज द ब्यूटी ऑफ गेटिंग अ डॉग. यू थोड़ा सा एनर्जेटिक फील हो रहा है, रात भर नहीं सोया लेकिन फिर भी एनर्जेटिक फील हो रहा है. एंड अभी इसकी थोड़ी केयर करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत छोटा है, 30 या 35 डेज का है. शायद इसका बर्थडे 2 नवंबर को आता है तो अभी वो कन्फर्मेशन चल रहा है. और इसका इंस्टा पेज बन गया, हीरो बनेगा हमारा हीरो, तो इंस्टा पेज बन चुका है. और इसकी टेक केयर करेंगे कल. अनप्लान्ड बहुत मेरे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अनप्लान्ड रहती हैं तो जब मन करता है जो मन करता है वो मैं करता हूँ. तो कल मन किया कि इसको लेके आएंगे तो हम गए, अपने कॉन्टैक्ट से बात करी, अच्छे से उसका बैकग्राउंड चेक किया, सब कुछ किया. तो जिससे मैंने ये डॉग लाया ही इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग ब्रीडर. उसके पास कम से कम नहीं तो 6 से 7 मेल और फीमेल जर्मन शेपर्ड्स हैं जिसके ग्रैंडफादर्स सारे जर्मनी से थे. तो जर्मनी का ही है जर्मन शेफर्ड, इसके अंदर जो ब्लड है वो बहुत अच्छा है. एंड इट्स अ शो डॉग टू बी प्रिसाइज. ये बड़े होने के बाद बहुत सुंदर होने वाला है. इफ़ यू सी दिस इज़ द फोटो ऑफ हिज डैड एंड दिस नेक्स्ट वन इज़ द फोटो ऑफ हिज मदर. सो अमेजिंग, इसके लिए मज़ा आने वाला है. लेकिन अभी इसको हम थोड़ा वार्म रखेंगे, थोड़ा इसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत छोटा है, वैक्सीनेशन अभी इसकी स्टार्ट नहीं हुई, इसको बाहर नहीं लेके जा सकते. तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, एटलीस्ट 45 से 50 या 55 दिन का करते हैं और फिर इसके साथ होगी बहुत सारी मस्ती. सो गाइस दिस इज द व्लॉग. आज हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं. एक जीएस गई, एक जीएस आई और अब जीएस के साथ होने वाली है और ज्यादा मस्ती. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे हैप्पी.